अब हमारा पंखा कंप्लीट है, होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने राउंड बचे हैं? 10 राउंड। 10 राउंड फटाक से मारिए। कैसे मारा जाएगा? फटाफट मारिए। 10 राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मोटर का जो बाइंडिंग है पूरा हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएंगे। 10 राउंड हमारे क्या हो गए? पूरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है? तोड़ देना है। जिस प्रकार से आपने स्टार्टिंग का तोड़ा था उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से तोड़िए, ठीक है। अब हमारा देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट है, बाइंडिंग हमारी पूरी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें क्या करना होगा? लॉक करना होगा। तो लॉक करने से पहले थोड़ा सा हम इसको क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं कि कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है, ये हमारे क्वाइल सही है कि नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर क्वाइल स्टार्टिंग की तरह भी क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो इसको हम फटाक से क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए माचिस का भी उपयोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें जल्दी चेक करना था। हम किससे? अपना कैंची वगैरह, सीजल वगैरह जो भी आप बोलते होंगे अपनी भाषा में, उससे क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे। क्या साफ करना होगा? वार्निश, यानी टायर के ऊपर जो वार्निश होती है, इंसुलेटर होता है, उसको क्या करना होता है? हटा लाना होता है, ठीक है ना। हमने हटा लिया। अब हमारे पास किसकी आवश्यकता होगी? सीरीज की। तो जिस प्रकार से हमने किसको चेक किया था? स्टार्टिंग को, उसी प्रकार से हमें इसको भी क्या कर लेना होगा? चेक कर लेना होगा, ठीक है। चलिए लगे, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर कॉइलों को दोनों पॉइंटों पर रखते हैं। बल्ब जल रहा है? जल रहा है। बल्ब जल रहा है ना? जल रहा है सर। इसका मतलब ये क्या है? सही है, सही है। अब हम इसका बॉडी देख लेते हैं, यानी कोई बॉडी अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमारा कॉइल बिल्कुल क्या है? सही है। अब इसको जिस प्रकार से आपने अंदर वालों को पेपर को काट किया था, काट करके मोड़ा था, उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा? बाहर वाले को भी मोड़ना होगा। चलिए कैंची से फटाक से काटिए पेपर को। बस जूम कर, रोक, ठीक है। जब हमारे पेपर ए वाले सारे कट चुके हैं सारे, अब हमें ऊपर से क्या करना होगा? काटना होगा। तो जब हम ऊपर से काटेंगे तो देखिए हमारे जो क्वाइल हैं थोड़ा थोड़ा क्या आ गए हैं? ऊपर आ गए। तो पेपर काटते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि ये वायर हमें कटे नहीं, तो हमें क्या करना होगा? सीधे से थोड़ा सा यहाँ पर देख करके काटना होगा। क्वाइल देख लेंगे, थोड़ा सा पेपर हमारा ऊपर से कटेगा चलेगा, लेकिन एक भी क्वाइल का एक भी तार अगर कट गया तो पूरा मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख करके काट लेंगे। चलिए काटिए ऊपर से, ठीक है। इस प्रकार से सारे पेपर को काट लेंगे, पुश कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब सारे पेपर इसके क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। लास्ट प्रोसेस क्या होता है? मोड़ने का। कैसे मोड़ा जाता है? स्टार्टिंग में हमने बताया था ना। चलिए मोड़िए, चलो पहले क्या करेंगे? पहले टेस्टर से इधर दबाएंगे, दबाइए, वेरी गुड। एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो जो काम हम आपको पहले बताए थे स्टार्टिंग वाले में, वही काम हमें क्या करना है? रनिंग वाले में करिए फटाफट। पेपर सारे क्या हो चुके हैं? मुड़ चुके हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी लॉक वगैरह सब हमने क्या कर लिया? लगा लिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना होगा? इसको चेक करना होगा कि कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है सारे वायरों को। तो चलिए यहां से हम फट से क्या कर लेते हैं? इसको काट लेते हैं। देखिए यहां से हम क्या करेंगे? काट लेंगे सारे वायरों को यहां से। अब इसको हमें सारे वायरों के ऊपर के इंसुलेटर को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो इसके लिए हम माचिस से जला लेते हैं। चलिए जलाइए, माचिस जलाइए। इसके लिए केमिकल भी आता है, उसके अंदर डाल के निकाल लेंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे नीचे तक ले जाइए। हाँ बस हटा लीजिए, ठीक है। फिर हाथ से ऐसे हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर का जो पेंट है, पॉलिश है, जो भी लगा था, वार्निश था, सबको हमें हटा लेना होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बॉडी अर्थ तो कहीं नहीं है, क्योंकि आगे काम करने से पहले हमें बॉडी अर्थ को क्या करना होगा? चेक करना होगा पंखे के सारे कॉइल सही है कि नहीं। इसके लिए सीरीज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर सीरीज बोर्ड है हमारे पास, लगाइए।
ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे सीरीज का बल्ब जल रहा है, अब हमें बॉडी चेक करना है इसका। देखिए यहाँ से जल रहा है, जब इस दूसरे तार को हम यानी कि इसका एक तार इस पे और एक तार बॉडी पे जब रखे रहे हैं तो कोई भी बल्ब जलना नहीं चाहिए। यदि ये बल्ब जलता तो हमारा कॉइल क्या होता, शॉर्ट होता। कॉइल क्या होता, शॉर्ट होता, हमें फिर से वाइंडिंग करना पड़ता। ठीक है, अब हम दूसरे को देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाली अंदर वाले कॉइल को चेक कर रहे हैं, जब अंदर वाले कॉइल को चेक कर रहे थे ये भी बिल्कुल क्या बता रहा है, सही बता रहा है। ठीक है ना, ये भी सही बता रहा है ना। अब इसका भी हमें बॉडी अर्थ क्या करना होगा, चेक करना होगा। चलिए हम एक तार यहाँ पर रहेगा इसके तार पे स्टार्टिंग किया और एक तार कहाँ रहेगा, बॉडी पे रहेगा, तो हमारा बल्ब जलना नहीं चाहिए। यदि बल्ब जल रहा है तो इसको कहाँ माना जाएगा, खराब माना जाएगा, यानी कि इसकी बाइंडिंग बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो पंखे के बॉडी अर्थ को हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, हमारे प्रोसेस क्या हो गए, पूरे हो गए। अब इसके अंदर हमें स्लिप लगाना होगा, क्या लगाना होगा, स्लिप। इन चारों तारों के अंदर स्लिप लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्लिप होगी जीरो नंबर या एक नंबर की स्लिप हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहां से फटाफट क्या करते हैं, काट लेते हैं। कैंची कहाँ है, दीजिए। सही है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, कितनी स्लिप काटेंगे, चार। ठीक है, अब इसको चलिए इसके अंदर लगाइए फटाक से, इधर से लगाओ कुछ लो इसके अंदर। चारों तारों में हमें क्या करना होगा, लगाना होगा, दो ठो रनिंग, दो ठो स्टार्टिंग। लगा लिया, लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, क्या होना चाहिए, वायर होना चाहिए, दो कलर के वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कितने कलर का है, दो कलर का, दो ठो हमने रेड लिया है, दो ठो का लिया है, ब्लैक लिया है। ठीक है, तो ब्लैक, अब इसके अंदर रेड और ब्लैक जो हमारे होंगे, तो जो हमारा रेड वाला तार होगा ना रनिंग में डाले जाते हैं, तो ये दोनों तार किसके हैं, रनिंग के हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, लाल वाले तार लगाएंगे। ठीक है, लाल वाले तार के ऊपर का इंसुलेटर हमें क्या करना होगा, हटा लेना होगा इस प्रकार से। ठीक है, और इनको थोड़ा सा हम स्पेस देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, रखेंगे, देख रहे हैं ना, और इसके ऊपर इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, मोड़ना होगा। ठीक है, वो वायर जरूर लपेटे जाएंगे जिसके ऊपर से हमारी वायरलेस क्या हो गई है, हट गई है। अगर वार्निश वाला वायर आप नहीं लपेटेंगे तो फिर इसके अंदर करंट नहीं आएगा, और जब करंट नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पूरा मजबूती से हमें क्या करना है, टाइट कर लेना है, और टाइट करते वक्त ये भी ध्यान देना है कि इसके अंदर स्पार्क बाद में न हो। यदि स्पार्क होगा तो ये हमारे खराब होने के क्या होंगे, चांसेज होंगे। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लिया, लगा लिया। अगर आपके पास सोल्डर रहता तो यहाँ पर क्या कर देते, सोल्डिंग कर देते। ठीक है, अब एक तार आपने जोड़ लिया रनिंग का, दूसरा ये भी किसका होगा, रनिंग का होगा। ठीक है, इसके ऊपर रख करके ऐसे हमें कनेक्शन बिल्कुल हो चुके हैं। आपने एक किसका तार है, स्टार्टिंग, एक किसका है, रनिंग। ठीक है ना, अब हमें क्या करना होगा, इसके बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो आप होल दिख रहे हैं ना, इसी जगह से सारे वायर हमारे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकालने से पहले इसके अंदर हमें मोटी स्लिप लगाना होगा, जो तीन नंबर की होगी। कौन सी होगी, तीन नंबर की होगी। तो तीन नंबर वाली स्लिप को हम ना उतना ही चढ़ाएंगे कि जो आपका ई जो आपका क्या है, इंसुलेटर है वाला ना, अगर इस पे स्लिप नहीं रहेगी तो पंखा गर्म होगा तो पिघलने के क्या होंगे, चांसेज होंगे। ठीक है, तो जितनी एरिया में हमारा इंसुलेटर रहेगा उतने एरिया में हमें स्लिप को क्या करना होगा, लगा लेना होगा। ठीक है, अब यहां से हमने इसको काटा इतना माप करके और इसके ऊपर हमें इसको लगा लेंगे। देखिए यानी ये स्लिप ले जा करके हमें इसके ऊपर लेकर के जाएंगे और सीधे यहां से हमें थोड़ा, देखिए डबल हो जाएगा ना, थोड़ा सा इस पे क्या होगा, मजबूत होगा। अब इतना हो गया, अब दूसरा हमें उसी प्रकार से इसको भी हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ऐसे आप नहीं नापेंगे तो भी, लेकिन कुछ अनुमान से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका स्लिप वेस्टेज ना हो इस हिसाब से हमें क्या करना होता है, लगाना होता है। देखिए लेकर के जाएंगे, हमने स्लिप चढ़ा लिया, स्लिप को क्या कर लिया, चढ़ा लिया। यदि आपको लगता है ये कोई वायर हमारा क्या हो चुका है, निकल चुका है, तो इसको बाहर निकालने से पहले आप थोड़ा सा क्या करिए, चेक कर लीजिए ये वायर वास्तव में हमारा मतलब सही कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आप बाहर निकाल देंगे, स्लिप को बांध देंगे, तो बाद में अगर वायर पावर नहीं आएगा तो फिर से वायर कनेक्शन क्या करना होगा, खोलना होगा। चलिए तो स्लिप को हम यहाँ पर लगाइए, भैया बोर्ड को लगाइए,
सीरीज वाले में। ठीक है, देखिए हम एक बार रनिंग वाले को कॉइल को, ये हमारे रेड वाले कौन से हैं, रनिंग के हैं। देखिए बिल्कुल सही है, यानी कि कनेक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। एक बार हम किसको चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाले को। स्टार्टिंग में भी सीरीज बता रहा है, यानी ये भी कनेक्शन क्या है, सही है। ठीक है ना, तो डालने से पहले हम श्योर हो जाएं कि इसके अंदर मतलब सही कनेक्शन है कि नहीं। अब हमें इसे बाहर निकालना है, क्या करना है, बाहर निकालना है। तो सारे वायरों को हम इसी होल से, जो शाफ्ट के अंदर जो नीचे वाला जो होल होगा ना, इसी जगह से हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। यदि आप कहीं और से निकालते, अब देखिए जब आपने, हमने आपको बताया था कि बाइंडिंग इसी जगह से करना चाहिए, तो ये कनेक्शन यहाँ से सीधे निकल जाएंगे कि नहीं। यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते तो कॉइलों को ऐसे, तार को ऐसे घुमा करके ऐसे क्या करना होता है, निकालना पड़ता है, तो काफी बुरा लगता है। लेकिन अब ये सीधे सामने जो होल दिखाई देगा उसी जगह से निकल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम हाउस वायरिंग का काम करते हैं ना, हमने हाउस वायरिंग पढ़ाया है कि नहीं, कि पाइप के अंदर वायर को कैसे खींचा जाता है। तो अंदर पाइप को खींचने, अरे वायर खींचने से पहले ये जो हमारी सर्किट मान लेते हैं इसको, तो इसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, स्टील वायर। क्या होता है, स्टील वायर। इस पाइप में क्या करना होता है, डालना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एमसीबी बॉक्स है और एमसीबी बॉक्स से सारा सर्किट हमारा जाने वाला है। तो चलिए यहां पर हम स्टील वायर ऐसे डालते हैं। देखिए जब हम डालेंगे तो यहाँ पर हमारा वायर क्या आ गया, बाहर आ गया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से हमारा ये वायर क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब इसी के वायर में सारे वायरों को हमें क्या करना होगा, ज्वाइंट कर लेना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हाउस वायरिंग का काम भी किया जाता है। जिस प्रकार से आप पंखे के लीड को बाहर निकालेंगे, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हाउस वायरिंग में जो तीन चार तार होते हैं ना, फेस न्यूट्रल और अर्थ का, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर अच्छे से हमें लपेट देना होगा कि ये निकले ना। अब ये निकल जाएंगे तो फिर से हमें मेहनत करना होगा। अब इसको पकड़ करके देखिए, यहाँ पर हम पकड़े रहेंगे वायर से, हल्का सा हाथ से पुश करेंगे और ऊपर से खींचेंगे। देखिए होल में गया, अब यहां से सीधे हमें पुश करके ऊपर की साइड में निकालना होगा। देखिए वायर हमारे सीधे सीधे ऊपर की साइड में आ रहे हैं और हम इधर भी सेव करके हल्का सा, देखिए ये हमारे ऊपर आ गए कि नहीं आ गए, ये सारे वायर हमारे क्या आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम हटा लेंगे, सारे वायरों को हम अलग कर लेंगे, सारे वायरों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब यहाँ से आप चाहे तो एक एक वायर करके क्या कर सकते हो, खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से चलिए हम एक एक वायर करके क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। चलिए यही आ रहा है ना, देखिए एक वायर आ रहा है, इसको यहाँ तक होल तक लेकर के आएंगे, कहाँ तक लेकर आएंगे, होल तक, यहाँ तक आ गया एक कंप्लीट। फिर हम दूसरे को खींच लेते हैं, देखिए देखिए सारे वायर हमारे लगभग लगभग क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं। ठीक है, अब इनको सभी को एक जगह हमें क्या करना होगा, बांधना होगा। ठीक है, एक जगह पे हम क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब बांधने के लिए आप यहाँ पर धागे का बांधते इसलिए है ना, कि बाद में अगर कोई ऊपर से वायर क्या करता है, खींचता है, तो ये ज्वाइंट हमारा टूट करके बाहर न निकलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बांधना क्या होता है, जरूरी होता है। यदि आप यहाँ पर न बांधते और यहाँ से वायर को जोर से क्या करते हैं, खींचते हैं, जो आपने ज्वाइंट किया वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको बांधने के लिए आप धागे से भी बांध सकते हैं, या तो फिर इसका जो पतला वाला क्या होता है, स्लिप होता है, इससे भी बांध सकते हैं, या तो इसके लिए जो टाई आती है, जो क्या होती है, टाई, उससे भी क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो इधर से डालेंगे और इधर से, समझ रहे ना। और आप चाहें तो इसके नीचे क्या लगा ले सकते हैं, पीवीसी पेपर लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने दो ठोका लगा दिया है, स्लिप लगा दिया है। चलिए अब यहां से आपने इस प्रकार से डाल लिए, अब ऊपर से गट्ठी मार करके अच्छे से जितना हो सके बढ़िया से हमें क्या कर लेना होगा, टाइट कर लेना होगा। ठीक है, जब हम टाइट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, इसके बाद हमारा ही क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम इसको काट लेंगे, देखिए यहां से हमने क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा और आप अलग अलग करना चाहते हैं, खूबसूरत देना चाहते हैं, तो जो कॉइल बिखरे हुए आपको दिख रहे हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा रनिंग से क्या, स्टार्टिंग से क्या करिए, दूर रख कर दीजिए, क्योंकि गर्म होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। इसलिए दोनों कॉइलों को जो आप हाथ से भर करके लटके हुए थे, इनको थोड़ा सा क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। देखिए देखने में भी काफी क्या लगेंगे, अच्छे लगेंगे। देखिए कॉइल स्पेस हो गया ना, देखिए अब इधर भी हम कर सकते हैं, जो इधर भी है इसको भी हम थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इनसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा रनिंग को क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा मोटर बन के क्या है,
तैयार है, बिल्कुल इसकी बाइंडिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सेट करना होगा इसको, क्या करेंगे सेट। अब सेट करने के लिए इसकी बॉडी कहाँ है, ये वाला, ठीक है, और इसका दूसरा स्क्रू वगैरह कहाँ है इसके, तो ये अब इसका पूरा सामान है, इसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारा जो ई रोटर होगा, अरे सॉरी स्टेटर होगा, इसके अंदर क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अब सेट करने के लिए आपका जो पहले हमें किसको सेट किया जाता है, ऊपर वाले को, किसको सेट करते हैं, ऊपर वाले को। जब ऊपर वाले को सेट करते हैं ना, तो हमें जो आपका ये रोटर दिख रहा है उसी के बीच में स्टेटर बिल्कुल होना चाहिए, यदि ये नीचे ऊपर है तो पंखे की स्पीड नहीं मिलेगा, ठीक है, इसीलिए इसके बीच में हमें करना चाहिए। तो इस सारे वायरों को हम इसके अंदर डालते हैं, देखिए इसके अंदर डाल करके सीधे हम इसको नीचे की साइड में ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऊपर से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सेट करेंगे। अब सेट करने से पहले स्प्रिंग, ये जो छोटी स्प्रिंग है, इसको लगाना अति क्या होता है, आवश्यक होता है। इसके पीछे हमें क्या कर लेना होगा, लगा लेना होगा। इसके बाद बॉडी को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट करिए, लगाइए, अच्छे से टाइट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। पंखा पूरा का हो चुका है, सेट पूरा क्या सेट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना होगा, कनेक्शन करके कैपेसिटर क्या करेंगे, लगाएंगे। अब यहाँ से हमारे वायर कनेक्शन करने के लिए वायर को हमें यहाँ से क्या करना होगा, निकालना होगा। अब इसके लिए टेस्टर डाल करके वायर निकालिए, नजदीक ले गए, इस होल से लीड हमारी क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि आप जल्दी करेंगे तो यहाँ पर हमारे वायर क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज को हमें क्या करना चाहिए, आराम से निकालना चाहिए। इसको हम आराम से निकालेंगे तो कंफर्टेबल तौर पे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। चलिए अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से वायर को थोड़ा थोड़ा और हम छील लेते हैं, वायर को क्या किया जाएगा, छील लिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से हमें एक तार किसका लेंगे, रनिंग का, और एक तार स्टार्टिंग का। तो सबको पता है ना कि रेड वाला रनिंग है और ये वाला क्या स्टार्टिंग है, तो हमारा पंखा किस पे चलना चाहिए, रनिंग वाले पे चलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लेकर के एक रनिंग और एक स्टार्टिंग लेके क्या बना लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। तो इसको एक जगह हम क्या करेंगे, देखिए मोड़ लेंगे इस प्रकार से। अब बच गए दो तार, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, इसके अंदर हमारा क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेंगे, ठीक है। कैपेसिटर के दो तार, कितने तार, दो तार, एक तो किस में जाएगा, रनिंग में, एक तो किस में जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है ना। एक हमारा जाएगा स्टार्टिंग में जाएगा, ठीक है। अब हमें सप्लाई देंगे, एक कॉमन पे देंगे, एक तो किस पे देंगे, किसको चेक करेंगे, सीरीज में करेंगे, किस में चेक करेंगे, सीरीज में। अब एक बार देखते हैं कि कहीं मतलब बॉडी तो नहीं है, एक बार कहूंगे हमने पीटा पाटा है ना, इस पे नहीं है, यानी कोई भी बॉडी इस पे नहीं है, ठीक है। अब हम एक बार सप्लाई यहां देंगे और एक बार किसमें देंगे, ठीक है। देखिए जब हमारा पंखा क्या होता है, नीचे की साइड में रहता है ना, यदि आप ऐसे नीचे रख करके चेक कर रहे हैं, तो जब यहां से सप्लाई लगाएंगे ना, तो अगर ये रनिंग का तार होगा जिसपे हमारा फैन चलने वाला है, तो पंखा किधर घूमेगा, इस साइड घूमना चाहिए। यदि आप रनिंग के तार पे अगर पंखा हमारा इस साइड घूम रहा है, तो कनेक्शन क्या है, उल्टा है, कनेक्शन क्या है, उल्टा है। अब इसको लाइव देखना चाहते हैं, थोड़ा सा देखिए, अब हम इसको इस तार को हटाते हैं, अभी तो हमारा सीधा चल रहा था ना, देखिए यदि इस पंखे का जो रोटेशन है, ये अस्थाई नीचे रखा हुआ है, और हम सप्लाई देते तो रोटर इस तरफ जाना चाहिए, अगर इस तरफ चल रहा है तो पंखा हमारा कहां चलेगा, सीधा चलेगा, पंखा का चलेगा सीधा चलेगा, समझ रहे ना। यदि हम जब यहाँ पर देते हैं और ये ऐसे चलता है, तो इसका मतलब कनेक्शन क्या है, उल्टा है, पंखा हमारा का चलेगा, ऐसे चलेगा। रोटर अगर इधर घूम रहा है तो पंखा सीधा चलेगा, यदि ये इधर घूम रहा है, अरे ये इधर घूम रहा है, तो इसका मतलब पंखा का चलेगा, उल्टा चलेगा। जैसे अब हम यहाँ से जब इसको सप्लाई देंगे तो इधर की साइड में जाना चाहिए, यदि इधर जा रहा है तो पंखा बिल्कुल सीधा चलेगा, यही रनिंग वाला तार होगा,
देख रहे ना इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि उल्टा करने पे क्या होता है, उल्टा करने पे क्या होता है। तो ये रनिंग का तार है एक वाला ना, कॉमन में से हमने रनिंग का निकाला और इसको हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लगाएंगे किस पे, कॉमन वाले पे। अब इसको हम लगाएंगे इसके, ये भी रनिंग का तार है ना। अब देखिए अब इस पे जब हम चलाएंगे तो पंखा का चलेगा, उल्टा चलेगा। देखिए अब हमें कॉमन वाले पे देंगे तो इसका रोटेशन ऐसे होगा, तो इसका मतलब ये रनिंग वाला तार देखिए इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। कनेक्शन क्या है, गलत है। देखिए देखिए उल्टा जा रहा है ना, कनेक्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो अगर ऐसा आप चेक करते हैं, अगर ऐसा होता है तो कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा यहां से जो कॉमन वाले का एक रनिंग होगा उसको निकालेंगे और कहां लगा देंगे, कैपेसिटर पे, जो रनिंग लगा था उस पे लगा लेंगे। और जो कैपेसिटर पे जो तार था, कॉमन वाला लग गया किस पे, कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर वाला कहां लग जाएगा, कॉमन वाले पे। सबको समझ में आ रहा है ना, कहां लग जाएगा, कॉमन वाले पे। अब हम इसको चेक करते हैं, जब इसको चेक करेंगे तो ये रोटर किधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। अगर ये इधर जा रहा है तो पंखा जब लगाएंगे तो कहां चलेगा, सीधा चलेगा। देखिए देख रहे ना, अने अब हमारा पंखा कहां चलेगा, सीधा चलेगा। इस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेंगे, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं। तो सेलिंग फैन का आपने देखा कि वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बताया है कि सेलिंग फैन आप किस प्रकार से घर पे कर सकते हैं, कैसे तारों को भरा जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे कैपेसिटर लगाया जाता है, कैसे हम पता करेंगे कि रनिंग पे ही हमारा फैन चल रहा है कि किस पे चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग अगर ऐसे जैसे आपने बना दिया, यदि आपका पंखा इस पे चला रहे हैं उल्टा चल रहा है, तो सीधे तारों को क्या करिए, बदल दीजिए, इस पे रख देंगे तो पंखा क्या चलेगा, सीधा चलेगा। तो जब इस पे तो सीधा चलेगा, लेकिन ये किस बाइंडिंग पे चल रहा है, स्टार्टिंग बाइंडिंग पे चल रहा है। यदि ये स्टार्टिंग बाइंडिंग पे चल रहा है तो थोड़ी ही दिन में हमारा पंखा क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा, क्या हो जाएगा, फूंक जाएगा, और फिर से हमें क्या करना होगा, बाइंडिंग करवाना होगा। ठीक है, तो हमें जब भी चलाना है तो किस पे चलाना है, रनिंग पे, और सीधा चलाना है। तो जब हमें पता है कि रनिंग यही है तो इस पे सीधा चल रहा है तो ठीक है, वरना जो वो विधि है कि हाँ एक पे हम इस पे लगाया, एक कॉमन पे दिया और किस पे दिया, इस पे दिया, अगर पंखा हमारा कहाँ चला, उल्टा चला, तो अब किस पे देंगे, इस पे देंगे, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम रखेंगे, अगर पंखा उल्टा चल रहा है तो लोग कहते हैं इस पे रख दीजिए, कैपेसिटर के दूसरे तार पे, अगर ऐसा करेंगे तो विधि क्या होगी, गलत। पंखा तो सीधा चलेगा, लेकिन किस पे चलेगा, स्टार्टिंग पे चलेगा, तो पंखा क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हमने संपूर्ण वीडियो को बता दिया है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।